माताओं बहनों, मंच पर आसीन भारत स्वाभिमान की प्रांतीय संयोजिका डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा भाई खींची जी, जो मंडल प्रभारी हैं, मेरे साथ मंच पर बैठे आपके नगर क्षेत्र के सम्माननीय विधायक महोदय, मैं आप सबसे इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि एक घंटा देरी से आया, और उसका कारण यह है कि मैं रात को 3 बजे यहां पहुंचा, तो देरी से सोकर उठा, उस कारण से आपके बीच आने में देरी हुई, माफी चाहता हूं। भारत स्वाभिमान का जो काम शुरू हुआ है पूरे देश में, इसके बारे में कुछ बातें आपसे मुझे कहनी है। 5 जनवरी 2009 को परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का गठन किया। उस दिन इस ट्रस्ट का पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ दिल्ली में। ये ट्रस्ट का जो विस्तार है वो भारत देश और भारत के बाहर दूसरे देशों में भी, भारत में भी काम करना है। क्या अपने देश की पूरी जो व्यवस्थाएं हैं उनको ठीक करना है, दुरुस्त करना है। एक अभियान तो परम पूजनीय स्वामी जी कई वर्षों से चला रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य देने का, चिकित्सा मुक्त जीवन देने का, निरोगी जीवन देने का, योग और प्राणायाम की मदद से, और आप सब उसमें लगे हुए हैं। सारे देश के करोड़ों लोगों को उससे लाभ हो रहा है। अब स्वामी जी ने एक दूसरा अभियान शुरू किया है कि देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, लोग निरोगी हो जाएं, चिकित्सा मुक्त हो जाएं, रोग मुक्त हो जाएं, और हर साल जो 6.5 लाख करोड़ रुपए बर्बाद होता है इस देश में चिकित्सा व्यवस्था पर, वो पैसा खर्च होना बंद हो जाए। परम पूजनीय स्वामी जी की ऐसी मंशा है, ऐसा उनका आग्रह है कि इस देश में कोई भी व्यक्ति रोग से ना मरे। मरना तो सभी को है, जीवन तो सबका निश्चित है, लेकिन कोई रोगी ना मरे, हंसता खेलता स्वस्थ आदमी इस दुनिया को छोड़कर जाए, ऐसी उनकी मन में कल्पना है। उसके लिए रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। करोड़ों लोगों को उन्होंने शिविरों के माध्यम से प्राणायाम सिखाया है, योग सिखाया है, और भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी। और उससे भी बड़ी बात है कि जिन्होंने सीखा है और किया है वो सब बोलते हैं कि हमें बहुत फायदा हुआ है। लाखों करोड़ों लोगों के ब्लड प्रेशर ठीक हो गए हैं, लाखों करोड़ों लोगों को हृदय की तकलीफें ठीक हो गई हैं, लाखों करोड़ों लोगों को घुटने का दर्द, कमर का दर्द ठीक हो गया है, हजारों हजार लोगों का कैंसर मिट गया है जो दुनिया में ठीक नहीं होता। गंभीर बीमारियां जो मानी जाती हैं, जेनेटिक बीमारियां जो मानी जाती हैं, वो भी ठीक हो रही हैं। तो ये बहुत अच्छे से काम चल पड़ा है, और आप योग शिक्षक इसमें तन मन धन से लगे हैं, आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। अब स्वामी जी को ऐसा लगता है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, उसके साथ साथ देश का स्वास्थ्य भी अच्छा हो, लोगों की बीमारी की जो समस्या है वो ठीक हो जाए, तो देश की दूसरी समस्याएं भी ठीक हों। हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है, हमारे देश में आजादी के बाद भी अत्याचार है जो हमारे ऊपर होता है, शोषण है, ये देश की समस्याएं भी ठीक हों, ये अब उनके मन में आया है। तो लोगों की बीमारियों की जो समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना है, जो लगभग 15 साल से काम करता है, और उसके नीचे पतंजलि योग समितियां बनी हुई हैं जो देश भर में काम करती हैं। आपकी रतलाम समिति एक है। इसी तरह से स्वामी जी ने देश की समस्याओं को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए एक दूसरा ट्रस्ट बना दिया, भारत स्वाभिमान, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना, गरीबी, बेकारी, भूखमरी, अत्याचार, मारामारी, शिक्षा का प्रश्न, ये सारे प्रश्नों को इसमें हल करना। इस ट्रस्ट में परम पूजनीय स्वामी जी अध्यक्ष हैं, आचार्य बालकृष्ण जी इसके महामंत्री हैं, मुझे स्वामी जी ने राष्ट्रीय सचिव का दायित्व दे रखा है।
सारे देश में 2,40,000 अपने योग शिक्षक हैं जो इस काम से जुड़े हैं। अगले साल जनवरी तक 11,00,000 योग शिक्षक इस काम से जुड़ जाएंगे। इसके लिए काम तैयारी चल रही है। आप अगर आस्था चैनल में देखते होंगे तो हर हफ्ते एक शिविर होता है हरिद्वार में, अलग अलग राज्यों का। अभी थोड़े दिन पहले शिविर खत्म हुआ आंध्र प्रदेश का, उसके पहले उड़ीसा का, उसके पहले हुआ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे कई राज्यों के शिविर हुए हैं। आने वाले समय में मध्य प्रदेश का शिविर होने वाला है सितंबर में, बंगाल का शिविर होने वाला है, अन्य राज्यों के शिविर होने वाले हैं। तो हर सप्ताह में 5-6 दिन के शिविर होते हैं हरिद्वार में, और परम पूजनीय स्वामी जी खुद उस शिविर में सबको सिखाते हैं, बताते हैं। एक शिविर में 6,000 से 7,000 लोग आते हैं। ऐसे जनवरी तक शिविर चलने वाले हैं, तो इन शिविरों के माध्यम से लगभग 11,00,000 लोग इस अभियान से जुड़ेंगे, ऐसी कोशिश हो रही है। फिर क्या हो रहा है, जनवरी के बाद स्वामी जी पूरे भारत के दौरे पे निकलने की तैयारी कर रहे हैं। एक एक जिले में एक एक दिन के लिए वो जाने वाले हैं। 680 जिले हैं इस देश में, तो लगभग 680 दिन का प्रवास स्वामी जी का होने वाला है। और उस समय जो सभाएं होंगी, जो कार्यक्रम होंगे, उनके माध्यम से 5 करोड़ लोगों को जोड़ने की योजना है। आप जानते हैं कि ये संगठन हमने बनाया है और इसको बड़ा कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। बड़े संगठन बड़े काम के लिए होते हैं, तो ये संगठन इतना बड़ा 5 करोड़ लोगों का होने जा रहा है अगले 2 साल में, तो इसके पीछे कोई बड़ा उद्देश्य है। वो उद्देश्य यही है कि अपने देश की व्यवस्थाओं को ठीक करना है। किन व्यवस्थाओं को ठीक करना है? हमारे रोज के जीवन में जो तकलीफ पैदा करने वाली सबसे बड़ी व्यवस्था है, जिसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसको पहले ठीक करना है। फिर हमारे देश में जो भ्रष्टाचार फैलाने वाली राजनीतिक व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। फिर हमारे देश में कानून और न्याय को देने वाली जो न्यायिक व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। हमारी प्रशासन व्यवस्था को ठीक करना है। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको ठीक करना है। ऐसे करके सभी व्यवस्थाओं को ठीक करने के 9 उद्देश्य हैं, उनके लिए ये भारत स्वाभिमान अभियान है। आपके मन में सवाल आएगा, क्या अपनी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? हाँ, ऐसा ही है। अर्थव्यवस्था से मैं बात शुरू करता हूं। अपने देश को आजाद हुए लगभग 62 साल हो गए, 63वां साल शुरू हो गया। अब आजादी के 62-63 साल के बाद भी इस देश की अर्थव्यवस्था में सबसे गंभीर समस्या है गरीबी, बेरोजगारी। आप अगर मुझसे पूछेंगे कि ये समस्या कितनी बड़ी है, एक उदाहरण से बताता हूं। हमारे देश की जो सरकार चलती है दिल्ली में, जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, इस केंद्र सरकार ने अभी थोड़े दिन पहले एक कमीशन बनाया था, एक आयोग बिठाया था, और उस आयोग का अध्यक्ष बनाया प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता नाम के एक बहुत विद्वान व्यक्ति को। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता कलकत्ता में रहते हैं, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इस देश में अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश में प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता उनके योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे श्रीमती गांधी से। बहुत साल तक प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता बंगाल सरकार में वित्त मंत्री रहे हैं। दुनिया भर के 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में लेक्चर्स देने जाते हैं, बहुत विद्वान आदमी है, दुनिया उनका सम्मान करती है। तो भारत सरकार ने उनसे कहा कि आप 5 साल एक अध्ययन करो, अभ्यास करो, और ये बताओ कि गरीबी कितनी है, बेकारी कितनी है, भुखमरी कितनी है, आर्थिक समस्याएं हमारी बताओ। तो उन्होंने बड़ी मेहनत करके एक रिपोर्ट बनाई है, बड़ी मोटी है,
वो रिपोर्ट पिछले साल संसद में पेश हुई, फिर मुझे भी मिल गई पढ़ने को। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि भारत में 84 करोड़ लोग भयंकर गरीबी में रहते हैं। अब तक हमारी सरकार ये कहती थी कि 32 करोड़ लोग गरीब हैं इस देश में, जिनको इस देश में कहा जाता है गरीबी रेखा के नीचे। लेकिन प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता ने कहा कि ये 32 करोड़ नहीं है, ये 84 करोड़ है। और ये आंकड़ा उनको भारत के 31 राज्यों के भ्रमण के बाद पता चला। 31 राज्यों में वो घूमे, 7 केंद्र शासित प्रदेशों में घूमे, तब जाकर उन्होंने ये बताया कि 84 करोड़ लोग बहुत गरीब हैं। कितने गरीब हैं? एक दिन में वो 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, इतने गरीब हैं। 20 रुपए उनके पास नहीं है खर्च करने के। उन्होंने उस रिपोर्ट में बताया कि 84 करोड़ लोगों में 50 करोड़ तो इतने गरीब हैं कि एक दिन में 15 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। उन्होंने कहा 84 करोड़ में से 25 करोड़ तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 10 रुपया भी खर्च नहीं कर सकते, और करीब 15 करोड़ लोग तो इतने गरीब हैं जो एक दिन में 5 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, और 7 करोड़ लोग इतने गरीब हैं जो एक दिन में 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। 7 करोड़, इतनी गरीबी इस देश में है। प्रोफेसर अर्जुन सेन गुप्ता बताते हैं अपनी रिपोर्ट में कि भारत के दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, सिकंदराबाद, बेंगलोर, मद्रास, कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए और गांव के तरफ निकल जाएं हम देखने के लिए, तो गरीबी का महासागर है इस देश में। ये कुछ बड़े बड़े शहर हैं जिनकी संख्या 20-50 से ज्यादा नहीं है, जहां कुछ अमीरी दिखाई देती है, बाकी देश तो गरीबी में डूबा हुआ है। ये पहली बार देश को पता चला कि 84 करोड़ लोग गरीब हैं। मेरे को भी पता चला उसके बाद, मैं तो ये सोचता था 32 करोड़। और उससे भी ज्यादा गंभीर बात मुझे जो दूसरी पता चली, जिसने भारत स्वाभिमान अभियान को बनाने में भूमिका निभाई, कि ये गरीबी आजादी के बाद लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उस समय के आंकड़े हैं कि 4.5 करोड़ लोग गरीब थे इस देश में। अब आजादी के 62 साल के बाद 84 करोड़ लोग गरीब। क्या भयावह परिस्थिति है। आजादी के 62 साल में 11 पंचवार्षिक योजनाएं बनी हैं गरीबी दूर करने के लिए, 11 योजनाएं बनी, और हर योजना में गरीबी दूर करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है। एक योजना बनती है ना पंचवार्षिक, जिसको आप 5-ईयर प्लान कहते हैं, उसका सबसे प्रमुख मुद्दा होता है गरीबी हटाना, गरीबी मिटाना। उसके लिए 10 लाख करोड़ का बजट होता है एक योजना का। ऐसी 11 योजनाएं बन चुकी हैं, माने 110 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, लेकिन गरीबी बढ़ती ही जा रही है लगातार। 4.5 करोड़ से अब 84 करोड़ हो गए। मेरे जैसे लोग ऐसा सोचते थे कि जब हम आजाद हुए तो हम गरीब इसलिए थे कि अंग्रेजों ने हमको लूटा, 250 साल इस देश पर उन्होंने शासन किया, लूट लूट के सारा धन उन्होंने लंदन में जमा कर लिया, तो हम गरीब हो गए 4.5 करोड़। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद तो 84 करोड़ लोगों की गरीबी, ये बात हमको पच नहीं पाई, हजम नहीं हो पाई। तो हमने इस दिशा में शोध करना शुरू किया कि आखिर इसका कारण क्या है। तो हमारे देश के लोगों के दिमाग में कुछ कारण हैं, उनमें से एक है, वो आपके मन में भी आता है, मुझे बहुत लोग सवाल करते हैं, वो ये कहते हैं कि राजीव भाई गरीबी इसलिए है कि जनसंख्या बढ़ रही है हमारी, बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमारी सरकार बताती है कि ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश जिसकी जनसंख्या 1.8 करोड़ है, इतनी संख्या हर साल हमारे देश में बढ़ जाती है, माने एक ऑस्ट्रेलिया देश इस देश में शामिल हो जाता है हर साल। तो इसका मैंने जानने का कोशिश की, अभ्यास किया,
तो पता चला जनसंख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है। 1947 में हम 32 करोड़ थे, 33 करोड़ के आसपास थे, 32 करोड़ 80 लाख 33 करोड़ थे। अब 2009 में हम 115 करोड़ हैं। इसका माने जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ी है, तो गरीबी भी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए, तो गरीबी इस समय 15 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। अब ये समझ में नहीं आता कि जनसंख्या तो 3.5 गुनी बढ़ी, गरीबी 21 गुनी कैसे बढ़ गई, ये समझ में नहीं आता। गणित का साधारण सा विद्यार्थी इस बात को समझ सकता है कि अगर जनसंख्या 3.5 गुनी बढ़ रही है तो गरीबी भी उसी अनुपात में बढ़नी चाहिए, तो 12 करोड़ 15 करोड़ गरीब हो जाते, हम 4.5 करोड़ थे 15 करोड़ हो जाते, लेकिन हम तो 84 करोड़ कहां से हो गए, ये कोई गंभीर बात है। और इस गंभीर बात को जानने की जब हमने कोशिश की तो पता चला कि ये गंभीर बात पैदा हुई है पिछले 62 साल में भारत के राजनीतिक भ्रष्टाचार से। हमारे देश में 62 साल में भ्रष्टाचार 21 गुना बढ़ा है। 1947 में भारत के आंकड़े बताते हैं कि भ्रष्टाचार में जितना धन व्यर्थ होता था, बर्बाद होता था, उससे 21 गुना ज्यादा अब होता है। तब सीधी सीधी सी बात समझ में आती है, भ्रष्टाचार माने लूट आपके धन और संपत्ति की। तो अगर आपकी लूट 21 गुनी बढ़ गई है तो गरीबी 21 गुनी बढ़ने ही वाली है, तो इस देश की भ्रष्टाचार जो है वो गरीबी की समस्या का बड़ा कारण। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था राजीव। आपने उनकी वो बात याद रखी होगी, वो कहा करते थे कि जब मैं किसी गरीब आदमी को विकास के लिए 1 रुपया भेजता हूं दिल्ली से, तो उस आदमी के पास सिर्फ 15 पैसे पहुंचते। और उन्होंने खुद कहा था संसद में कि बीच के जो 85 पैसे हैं वो हमारे नेता और अधिकारी मिलके खा जाते। माने विकास के लिए जो धन आवंटित होता है उसका 85% लूट हो जाती है। और ये राजीव गांधी ने कहा था 1984 में, उस समय भ्रष्टाचार कुछ कम था। अब 2009 आ गया, अब तो हमारे देश में भारत सरकार का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसको कहते हैं CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। उनकी रिपोर्ट कहती है कि अब तो 1 रुपया जब विकास के लिए नीचे भेजा जाता है तो गरीब आदमी तक 7 से 8 पैसा ही पहुंचता है। अब तो हालत और खराब हो गई। आखिरकार ये सारा पैसा जाता कहां है, ये लूट जाता है अधिकारी और नेताओं के द्वारा। फिर लूटने के बाद ये पैसा कहां जाता है, ये विदेशी बैंकों में जमा हो जाता है। आप पूछेंगे जी कितना लूट जाता है, हमने एक दिन आंकड़े बनाए सरकार के अलग अलग विभागों से इकट्ठे किए। केंद्र सरकार हमसे टैक्स लेती है हर साल, कुछ नाम है उस टैक्स के, जैसे इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऐसे केंद्र सरकार हमसे कुछ टैक्स लेती है। उसमें पूरे देश के लोगों से 6.25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करते हैं। फिर राज्य सरकार टैक्स लेती है, मध्य प्रदेश की सरकार अलग लेती है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश की अलग लेती है। 31 राज्यों की राज्य सरकार हर साल हमसे 12 लाख करोड़ का टैक्स इकट्ठा करती है कुल मिलाकर। फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स लेता है, नगर पालिका टैक्स लेती है। तो भारत देश में जितने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है करीब 1400 से ज्यादा, वो टैक्स इकट्ठा करते हैं और वो करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए ले लेते हैं हमसे। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तीनों मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए ले लेते हैं हमसे हर साल। मेरे जैसे लोग सरकार के अधिकारियों को पूछते हैं कि ये 20 लाख करोड़ का तुम करते क्या हो, कहते हैं जी विकास करते हैं इसका।
तो 20 लाख करोड़ तो इतनी बड़ी रकम है। एक दिन मैंने इसका हिसाब निकाला था कि इस रकम का अगर हम सरकार को देना बंद कर दें, टैक्स भरना बंद कर दें और ये रकम हम गरीबों में बांट दें तो हर गरीब इस देश में लखपति हो जाता है। एक ही साल में, दो तीन साल की बात नहीं कर रहा, एक ही साल 20 लाख करोड़ रुपए अगर हम इकट्ठे कर लें आपस में मिलके और सरकार को बीच में से निकाल दें कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा काम नहीं, हम कर लेंगे इस काम को, क्योंकि इतनी अकल तो हमको भी है जो उनको है, हम भी वही दाल रोटी खाते हैं जो ये सरकार के अधिकारी खाते हैं, कोई बहुत होशियार तो है नहीं, हमारे ही बीच में से गए हैं। तो अगर इनको बाहर कर दें और 20 लाख करोड़ से देश के विकास की योजना बनाएं, तो मैंने एक दिन सोचा कि 20 लाख करोड़ का सोना खरीद लें। मान लो इतना सोना आता है कि 6,35,365 गांव की एक एक सड़क सोने से बन सकती है। माने 20 लाख करोड़ की रकम में जो हम उद्योग लगाएंगे, फैक्ट्री जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में कारखाना, तो इतने कारखाने लगेंगे कि 60 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा इस देश में। तो 20 लाख करोड़ से एक साल में तो गरीबों को अमीर कर सकते हैं, दूसरे साल में सोने की सड़कें बना सकते हैं और तीसरे साल में सारे लोगों को रोजगार दे सकते हैं। फिर करेंगे क्या, चौथे साल क्या करेंगे, 20 लाख करोड़ तो फिर आएगा चौथे साल। तो चलो स्कूल बना देंगे, कॉलेज बना देंगे, हॉस्पिटल खोल देंगे, सब करने के बाद फिर पांचवें साल तो कुछ नहीं बचता करने के लिए, भजन करें, प्राणायाम करें, योग करें, फिर भी ये 20 लाख करोड़ तो सामने रखा है, करें क्या इसका? मतलब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो ये कि ये जितनी रकम हम टैक्स में देते हैं, ये रकम अगर 5 साल की कुल इकट्ठी हो जाए तो सारे देश की हर समस्या का समाधान हो जाए। और ये नेता 62 साल से ये रकम इकट्ठी करके विकास नहीं कर पा रहे हैं देश का, चक्कर क्या है? तो चक्कर दूसरा है, चक्कर ये है कि ये नेता और अधिकारी इस रकम से अपना विकास कर रहे हैं, देश का नहीं कर रहे, लूट लूट के घर भर रहे हैं। मैंने आजकल भारत के नेताओं की जन्म कुंडली बनाना शुरू किया है। जन्म कुंडली मतलब ये नहीं, वो ज्योतिष वाली नहीं, वो तो मैं नहीं जानता, दूसरी जन्म कुंडली, वो ये कि जब वो राजनीति में आए तो उनके पास कितना धन संपत्ति था और राजनीति में आने के बाद मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री वगैरह वगैरह होने के बाद कितना हो गया। अब तक मेरी सूची में 420 नेता शामिल हुए हैं और ये सब ऊंचे स्तर के हैं, छोटे स्तर वाले बात नहीं कर रहा हूं, ये तो जो केंद्र में रह चुके हैं, कोई मंत्री, कोई कुछ, कोई कुछ, उनकी बात कर रहा हूं, राज्य का तो अभी नंबर ही नहीं। तो एक दो नेताओं का बिना नाम लिए बताता हूं, आप वैसे बहुत होशियार हैं समझ जाएंगे। एक नेता है महाराष्ट्र के हैं, 20 साल पहले उनके घर में टूटी साइकिल नहीं थी, बस में चढ़ने का किराया नहीं था जेब में, दूसरे की जेब से पैसा निकाल के अपनी बस का टिकट खरीदते थे, चाय पीने के लिए पैसा नहीं था और मां बाप ने कोई संपत्ति छोड़ी नहीं थी क्योंकि बहुत गरीब थे। आज उस नेता के पास 20,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। और आप कभी आओ महाराष्ट्र में तो मैं दिखाऊंगा आपको, गांव गांव ले जाके, बंबई से पूना के बीच की दूरी 170 किलोमीटर है, उस दूरी में जितने गांव आते हैं उस गांव की सारी जमीन उसने खरीद रखी है एक नेता ने, हजारों हेक्टेयर जमीन एक नेता के नाम, जिसके पास 20 साल पहले टूटी साइकिल नहीं थी। और जमीन के कागजात जब हमने इकट्ठे किए तो उसके कुत्ते बिल्लियों के नाम से जमीन, ऐसी लूट मची हुई है इस देश में। एक और बताता हूं, एक नेता है हमारे महाराष्ट्र में,
बंबई में 20 साल पहले दादर रेलवे स्टेशन पे वो भाजी बेचता था, भाजी मतलब पालक मेथी सब्जी बेचता था, माफ करिएगा सब्जी, भाजी मराठी शब्द है, सब्जी बेचता स्टेशन पे बैठ के। आज उसके पास बंबई शहर में 25,000 करोड़ की संपत्ति। बीस साल पहले एक नेता महाराष्ट्र के नासिक में सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था, सिनेमा का टिकट ब्लैक करता था। आज उसके पास पूरे महाराष्ट्र में 30,000 करोड़ की संपत्ति। और ये जो नेता है ना, इनके कुछ एजेंट होते हैं। तो ये जो तीनों नेता है ना, इनका एक एजेंट है पूना में, उसको एक बार हम मिले थे। वो कहता है कि मेरे पास 72,000 करोड़ की संपत्ति है। तीनों का बाप है वो। और थोड़े दिन पहले सीबीआई ने बताया, सीबीआई आप जानते हैं देश की जांच करने वाली संस्था, और एक दूसरी संस्था है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW रॉ, और एक संस्था है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय। ये तीनों बोलते हैं कि उस एजेंट का स्विट्जरलैंड की बैंक में खाता है, उसमें 72,000 करोड़ जमा है। जब हम उसको मिले थे तो पूछा, भाई तुम्हारा 72,000 करोड़ कैसे हो गया? तो उसने कहा कि बहुत सारे नेता अपना पैसा मेरे पास रखते हैं, मैं उसको स्विस बैंक में रख देता हूं, ऐसे हो गया। तो हमने कहा नाम बता दो। उसने कहा ऐसे नहीं बताऊंगा। तो कैसे बताओगे? तो वो कहता मेरा नार्को टेस्ट करा दो, फिर मैं सब बता दूंगा। ऐसे बताऊंगा तो ये मार डालेंगे मुझको, मेरी तो जिंदगी चली जाएगी। तो आप ऐसा करो, मेरे ऊपर मुकदमा करो, वो खुद कहता है, मेरे ऊपर केस करो, मेरा नार्को टेस्ट करवा दो, उसमें सब बोल दूंगा मैं, तो मेरी जान भी बचेगी और आपको पता भी चल जाएगा कौन कौन बेईमान। वो खुद कहता है, ऐसी लूटखोरी हो। अब एक सोचो, एक आदमी ने 72,000 करोड़ जमा कर रखा है, मजाक है? मध्य प्रदेश की सरकार के बजट से ज्यादा है एक आदमी के पास। और ऐसे भारत में कितने आदमी हैं आप पूछोगे, तो उनकी सूची बनते 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 80,000 है। 80,000। एक का नाम मैंने बताया पूना में है, उसका नाम है हसन अली, जिसके पास 72,000 करोड़ है। वो नेता नहीं है, नेताओं का एजेंट है। तो नेताओं के एजेंट और नेता और अधिकारी सबका मिलाकर 80,000 लोगों की लंबी सूची है। इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए लूट रखा है और क्या किया है, जमा कर रखा है स्विट्जरलैंड की बैंकों में। जैसे अपने देश में बैंक होती है ना, भारत, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कनारा बैंक, ऐसे स्विट्जरलैंड नाम के एक देश में भी कुछ बैंकें हैं। एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ जिनीवा, एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ ज्यूरिख, एक बैंक का नाम है बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ऐसी 36 बैंकें हैं उस देश में। उनमें नेताओं के खाते खुले हुए, उनमें ये पैसे जमा है, अधिकारियों के खाते खुले हुए हैं उसमें पैसे जमा है। और ये नेता और अधिकारियों के एजेंट जो बीच में लेन देन करते हैं उनके खाते खुले हुए हैं, उनका पैसा जमा। अब ये कितना पैसा है, तो स्विट्जरलैंड की बैंकों का एक समूह है, एसोसिएशन, जैसे भारत में होता है वैसे वहां भी होता है, उसका नाम है स्विस बैंक एसोसिएशन। उन्होंने ये बताया पिछले साल कि भारत के नेता और अधिकारियों का उनके बैंकों में जो खाता है उसमें 1,500 अरब डॉलर जमा है। इसको अगर गणित से हम मदद करके निकालें रुपए में, एक डॉलर में 50 रुपए होते हैं और एक अरब में 100 करोड़ होते हैं, तो 1,500 में 100 करोड़ का गुणा करो, फिर उसमें 50 का गुणा करो, तो ये 75,00,000 करोड़ रुपए है। इतना लूटा हुआ धन विदेशी बैंकों में है।
और फिर थोड़े दिन पहले एक और बात पता चली कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में ये जो धन जमा है 75 लाख करोड़, इसके अलावा कुछ और देशों में भी है। हमारे जो